उधर मुजफ्फरनगर में अंधविश्वास का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अपहरण की गई मासूम बच्ची की कटी उंगली आज उसके जीवन का वरदान बन गई। तंत्र मंत्र में फंसी मासूम, नकाबपोष महिलाओं ने किया अपहरण, गड़े धन की लालच में अपहरण, बच्ची की कटी उंगलियां बनी वरदान, तांत्रिक ने बलि से किया इनकार। कहते हैं कि हर किसी के भाग का फैसला इंसान नहीं भगवान करता है। जी हाँ, अपने पापा की गोद में खेल रही ये मासूम अलीना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि उसकी दो कटी उंगलियों के कारण आज उसकी जान बच गई। आरोपियों ने जब देखा कि बच्ची की उंगली कटी हुई है तो तांत्रिक ने बच्ची के बलि देने से इनकार कर दिया, जिससे बच्ची की जान बच गई। दो औरत बुरखे वाली आई और उसको उठा के ले गई। अच्छा। गांव के करीब जो पेड़ काट रहे थे उन्होंने बताया कि कोई दो औरतें ले गई। इधर उधर छानबीन करने के बाद एक जगह से सूचना मिली कि कोई औरत नन्हड़ी की है, वो उठा के ले गई है। वहाँ मैं पुलिस के पहुंचे, लड़की मिली। मुजफ्फरनगर के थाना ककरौली इलाके में रहने वाले मासूम अलीना घर के बाहर खेल रही थी। आरोपी के तांत्रिक के कहने पर दो नकाबपोश महिलाओं ने बच्ची का अपहरण कर लिया। मासूम के अचानक लापता होने पर जब परिजनों ने ग्रामीणों के साथ खोजना शुरू किया तो पता चला कि बुर्का पहने दो महिलाएं बच्ची को उठा कर ले गई हैं। मामले की सूचना पर बच्चे को तलाशते हुए पुलिस गाँव नेहड़ी पहुंची, जहाँ पुलिस ने मासूम अलीना को तो सुरक्षित बचा लिया, लेकिन आरोपी महिलाओं के सनसनीखेज खुलासा चौंकाने वाला था। आरोपी महिलाओं ने बच्ची का अपहरण इसलिए किया था कि उन्हें एक तांत्रिक ने बताया था कि उनके घर में काफी धन गड़ा है, अगर वो बच्ची की बलि देंगे तो गड़ा धन उन्हें मिल जाएगा। और पूछताछ करने के बाद पता लगा कि वो बलि बलि को इनके जमीन में कोई माल दबा हुआ है, वो उसमें उसकी बलि देने के बाद माल निकालने की कोशिश में ले गई थी इसको। आरोपी महिलाओं ने मासूम की बलि देने के लिए घर के बाहर से बच्ची का अपहरण तो कर लिया, लेकिन मासूम के हाथ की कटी उंगलियों के कारण तांत्रिक ने बलि देने से इनकार कर दिया। तो वहीं पुलिस ने मामले में सक्रियता दिखाते हुए मासूम को बरामद कर लिया है और आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आइए, थाना ककरौली में टंडेड़ा गांव से एक बच्ची 14 महीने की बच्ची है जिसको के गुम होने की सूचना मिली थी। मैं जो जिनकी बच्ची गुमी थी उनके भी परिवार के लोग रहते हैं तो उन्होंने बच्ची को पहचान लिया था, और फिर वो जब उन्होंने पता लगा तो परिवार के सदस्यों को बच्ची मिल गई थी और महिला के विरुद्ध मुकदमा भी लिखा गया है और उसे जेल भेज दिया गया। किस्मत से अलीना की कटी हुई उंगलियां ही आज उसके महफूज होने की वजह बनी। सूचना क्रांति के दौर में आज भी लोग अंधविश्वास के चलते बिना मेहनत के अकूत धन पाने के चक्कर में तांत्रिक और ढोंगी बाबाओं के झांसे में फंस जाते हैं। पैसों के लालच में इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, साथ ही कई मासूम जिंदगियां भी बर्बाद होती हैं। नेशनल वॉइस के लिए मुजफ्फरनगर से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।